मूवी के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जान को देखते हैं जो कि एक क्लब में बैठा हुआ होता है। और तो यहाँ पर एक वेट्रेस आती है जो उसे ड्रिंक सर्व करने लगती है, लेकिन वो जैसे ही जाती है हान उसे पकड़ लेता है और उसे जाने से मना करता है। फिर वो उसे किस करने लगता है। वेट्रेस यहाँ पर उसे दूर जाती है, लेकिन फिर भी हान उसे अपनी ओर ग्रैब करता है और उसे सोफा पर लिटा देता है। फिर वो उसे किस करता ही जाता है और रियन का किस मेकअप में बदल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो वेट्रेस सोई हुई थी। दूसरा यहाँ पर हान उस जेड पेंडेंट को ले लेता है, साथ में उस वेट्रेस के हाथ में अपनी रिंग निकाल कर पहना देता है। हम यहाँ पर ये भी नोटिस करते हैं कि वेट्रेस के राइट चेस्ट साइड में एक रेड कलर का बर्थ मार्क होता है। और तो यहाँ पर छानो से बोलता है कि एक बार मुझे पता चल जाए कि आखिर मेरी ड्रिंक में ड्रग्स किसने मिलाए थे तो मैं तुम्हें वापस मिलने के लिए आ जाऊँगा और फिर मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाऊँगा। इसके बाद में हम यहाँ पर सीधा वन मन बात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो वेट्रेस होती है और उसका नाम लीसा होता है। लीसा चली जाई होती है गायना के पास में अपना चेकअप करवाने के लिए और उसे वहाँ पर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो यहाँ से बाहर जा रही होती है तो उसकी टकराव मियाँ से हो जाती है। मियाँ यहाँ पर उसे देख कर समझ जाती है, तुम तो वही हो ना जो मेरे क्लास में हुआ करती थी, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर बाद में लीसा उसे कहने लगती है कि मैं तो बस नॉर्मल बॉडी चेकअप के लिए आई थी। मियाँ कहती कि नॉर्मल बॉडी चेकअप, लेकिन तुम तो एक गायनेक की क्लिनिक से बाहर निकली हो। फिर यहाँ पर लीसा उस फेपर्स को छुपा रही थी तो मियाँ उसे ज़बरदस्ती ले रही थी, लेकिन लीसा उसे कहने लगती है कि देखो हम खाली क्लासमेट्स हुआ करते थे और ना ही हम कभी दोस्त थे जो मुझे मेरे पर्सनल सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स तुम्हें बताने हो। फिर मियाँ समझ जाती है कि आखिर कुछ तो चक्कर चल रहा है कि वो गायनेक के पास आई थी। दूसरा लीसा वहाँ से चली जाती है। दूसरा हम यहाँ पर जान को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है तो उसका असिस्टेंट आकर उसे बताने लगता है कि हमने उस लड़की को ढूंढ लिया है जिसके साथ में आपने नाइट स्पेंड किया था। फिर वो उसे बोलता है कि जाओ और उसे जाकर बता दो कि अब से वो मेरी होने वाली वाइफ है। फिर यहाँ पर वो चला जाता है। लीसा हॉस्पिटल से निकल कर जा रही होती है तब तक उसके फ़ोन में एक मैसेज आ जाता है कि आपने इंटरव्यू को पास कर लिया है और आप थेसन ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हो। लीसा यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। दूसरा वो अपने रिंग निकालते हुए कहने लगती है कि उस दिन जो लड़का था वो तो एक धोखेबाज निकला। फिर यहाँ पर वो अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट के अंदर वो रिंग को डालकर और सिम्बा जोड़कर डस्टबिन के अंदर फेंक कर चली जाती है। पीछे से मियाँ आ जाती है जो इस डस्टबिन से उस पेपर को और रिंग को निकालते हुए देख लेती है। फिर बाद में वो हंसकर बोलने लगती है कि इसकी शादी नहीं हुई और ये प्रेगनेंट है, लगता है इसके बारे में मुझे अफवाह फैला नहीं पड़ेगी। दूसरा यहाँ पर एक बहुत स्टाइलिश सी अच्छी सी कार आती है जिसे मियाँ देखकर तो बहुत ज्यादा फिदा हो जाती है, जिसमें से छान का असिस्टेंट और तो सभी बॉडीगार्ड्स निकलते हैं और आते ही वो मियाँ को ग्रीट करने लगते हैं। फिर यहाँ पर मियाँ उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाती है। असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि हमारे बॉस मिस्टर छान आपसे मिलना चाहते हैं, वो थेसन ग्रुप के सीईओ है। यहाँ पर वो थेसन ग्रुप और छान का नाम सुनते ही समझ जाती है कि ये बंदा तो चाइना का रिच इंसान है। फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि आखिर तुम लोग मुझे लेने क्यों आए हो। फिर यहाँ पर असिस्टेंट उसे कहता है कि आपके हाथ में जो रिंग है क्या मैं वो एक बार देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से वो रिंग आपको मिस्टर छान ने दिया था एज ए टोकन ताकि हम आपको रिकॉग्नाइज कर पाए। असिस्टेंट वो रिंग को देखकर पहचान जाता है और सभी लोगों से बो डाउन कर ग्रीट करने लगते हैं और कहते हैं कि अब से आप मिस्टर छान की वाइफ हो। यहाँ पर वो सोच में पड़ जाती है कि लगता है लीसा के पेट में जो बच्चा है वो छान का है और उसे ये बात नहीं पता है। मैं इस मौके का फायदा उठा सकती हूँ, भले ही मेरे पेट में जी का बच्चा है लेकिन अब से मेरे पेट में जो बच्चा है वो छान का होगा और उस बड़ी सी ग्रुप का आने वाला सीईओ बनेगा। फिर यहाँ पर वो उन्हें हाँ बोलकर उनके साथ जाने लगती है। इसके बाद में हम थेसन ग्रुप के कंपनी को देखते हैं जहाँ पर मैनेजर सभी को कह रही होती है कि आज प्रेसिडेंट खुद ब खुद इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं तो सभी लोग अच्छे से रहना। फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट छान आ जाता है। जहाँ पर वो लीसा के साइड से गुजरता है तो उसे एक स्मेल आने लगती है तो लीसा को वो अपना सर लिफ्ट करने के लिए बोलता है और लीसा को देखकर याद करने लगता है कि लड़की मुझे कुछ देखी देखी से लग रही है, कहीं वो वही तो नहीं जो साथ मेरे साथ में थी। फिर यहाँ पर वो उसका नाम पढ़ता है और उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना देता है। मैनेजर कहती तो है कि अभी नई नई आई है, लगता है ये आपका काम अच्छे से नहीं कर पाएगी, लेकिन छान उसे बोलता है कि तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है किसको क्या जॉब देना चाहिए। फिर यहाँ पर वो लीसा को
अपने साथ चलने के लिए बोलता है। इसके बाद में वो अपने कैबिन में होता है तो लीजा उसके लिए कॉफी लेकर आ जाती है, लेकिन लीजा का पैर लड़खड़ाने लगता है जहाँ पर कॉफी उसके हाथ ऊपर गिर जाती है। इतने में ही वहाँ पर आ जाती है मियाँ जो उन दोनों को साथ में देख लेती है और मियाँ सोचने लगती है कि लगता है ये इसकी पर्सनल सेक्रेटरी है, मुझे कुछ भी करके इसे कंपनी से निकालना ही होगा ना कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। और यहाँ पर वो किसी को कॉल कर 2 मिलियन देकर कहती है कुछ काम करने के लिए और लीजा को इस कंपनी से निकालने के लिए। फिर यहाँ पर लीजा नोटिस करती है कि छान के हाथ में वो सेम कलर का मार्क है जो कि उस रात उस लड़के के हाथ में था। फिर यहाँ पर वो सोचने पड़ जाती है। छान लीजा से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरी फियांसी है। ये बात सुनते ही लीजा थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन छान उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। लीजा सोचने पड़ जाती है कि अच्छा हुआ ये मेरे होने वाले बेबी का फादर नहीं है, वरना मैं तो डर के मारे ही मर जाती। इतने में ही छान भी हमें कहने लगता है कि न जाने क्यों लीजा की बॉडी में से स्मेल आती है वो एग्जैक्टली सेम उसी लड़की की जैसी है जो लड़की उस दिन में रात उस नाइट क्लब में थी। लीजा वहाँ से जाती है तो उसकी चक्रा मियाँ से हो जाती है, लेकिन मियाँ उसका कुछ सवाल जवाब किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में लीजा अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। इतने में ही वहाँ पर जी नाम का एक लड़का आ जाता है जो कि उसे मिलने आया होता है। फिर वो लीजा से माफी मांगने लगता है और तो वो सभी के सामने उसे रिंग के साथ प्रपोज करता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। दूसरा मियाँ पर छान को देखते है जहाँ पर मियाँ उसे पीछे से हक करने के लिए आती है और वो उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी को ये कैबिन से निकलते हुए देखा। तुम्हें पता है वो मेरी क्लासमेट थी और वो मुझे बहुत बुली किया करती थी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जॉब से निकाल दो। लेकिन छान उसे कहने लगता है कि ये प्रोफेशनल लाइफ है, हम कोई भी एम्प्लॉय को विदाउट किसी रीजन नहीं निकाल सकते अनटिल एंड अनलेस वो वर्क पर कोई बहुत बड़ा मिस्टेक करे। यहाँ पर वो उसे कहती है लेकिन वो बुली होने वाली चीज छान उसे कहता है कि तुम बेफिक्र होकर रहो, तुम्हें यहाँ पर कोई बुली नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। फिर यहाँ से वो चली जाती है। दूसरा मैनेजर लीजा पर चिल्ला रही होती है कि ये ऑफिस है कोई सब्जी मंडी नहीं जो तुम यहाँ पर ये सारी हरकत कर रहे हो। जी उस मैनेजर पर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी वाइफ पर चिल्लाना बंद करो, वो प्रेग्नेंट है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैनेजर कहती है कि ये सारी चीजें करनी है तो जाकर कंपनी के बाहर करो और तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने हमें कुछ नहीं बताया। लीजा कहती है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं आपको बता नहीं वाली थी और तो मेरा फर्स्ट मंथ ही चल रहा है, अभी तक तो मुझे खाली 6 वीक्स हुआ है। लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती वो रिंग निकाल कर उसके हाथों में पहनाने लगता है। लीजा कहती है कि 2 मंथ पहले हमारा ब्रेकअप हो चुका था तो अब तुम मेरे पास इतने टाइम बाद क्यों आ रहे हो, हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है जहाँ पर लीजा का पेट जो है वो टेबल वाले डेस्क से लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर उसे बहुत पेन होने लगता है, उसके कलीग इतने बुरे होते हैं कि वो लीजा को कहने लगते हैं कि लगता है तुम्हारा बच्चा गायब हो जाएगा और वो उसे बुरी बुरी बातें बोलने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर मियाँ आती है जो कहने लगती है कि मुझे नहीं लगा था जी आज के आज ही आ जाएगा, जरा देखते हैं कि कौन सा तमाशा खड़ा हो रहा है आज। जहाँ पर मैनेजर आकर उसे बोलने लगती है कि हमारी कंपनी में एक नई इंजन आई है जो यहाँ पर बखेरा खड़ा कर रही है। फिर यहाँ पर लीजा देखती है मियाँ को और तरह उसे कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर मैनेजर बोलते कि तुम्हें शर्म नहीं आती प्रेसिडेंट की वाइफ से ऐसे बात करते हुए। लीजा कहती प्रेसिडेंट की वाइफ, ये तो लेकिन ग्रेजुएट भी नहीं हुई है, ये प्रेसिडेंट की वाइफ कैसे बन गई। मियाँ उसे कहने लगती है कि मैं मेरी लक की वजह से बनी हूँ, तुम्हें कोई शक है और तुम मुझ पर क्यों उंगली उठा रही हो, यहाँ पर तुम ऑफिस में तमाशा खड़ी कर रही हो। मैनेजर यहाँ पर लीजा को फायर कर देती है। लीजा उसे बोलने लगती है कि आप मुझे इस तरीके से फायर नहीं कर सकती, भले मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मैं अपना काम टाइम पर कर रही हूँ और कुछ भी डिलेज नहीं कर रही हूँ। मैनेजर को गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ मारने लगती है। लीजा उसे कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें इस कंपनी में रहना है तो मैं तुम्हें रहने दूंगी, लेकिन एक कंडीशन पर, तुम्हें नील डाउन करके सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी वो भी मुझसे, तो फिर मैं शायद तुम्हें यहाँ पर रहने दूँ। लीजा कहने लगती है कि मैं माफी क्यों मांगू, मैंने कोई गलती तो नहीं की है और हम स्कूल टाइम से साथ में थे तो तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। यहाँ पर मियाँ बताने लगती है कि स्कूल टाइम से, ओ हाँ मैं स्कूल का टाइम कैसे भूल सकती हूँ जहाँ पर तुम अलग अलग लड़कों के साथ रोज बाहर जाया करती थी। लीजा उसे कहने लगती है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, तुम इस तरीके से मेरे पर इल्जाम नहीं लगा सकती। और यहाँ पर मियाँ तो उसका मजाक बनाकर रख देती है। जी उसे बोलने लगता है कि लीजा माफी मांग लो, वो प्रेसिडेंट की वाइफ है, क्या पता वो हमारी लाइफ को बख्श दे दे, यही हमारे लिए बेहतर होगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगा।
यहाँ पर लिजा उसे चुप रहने के लिए बोलती है। यहाँ पर एक स्टाफ लिजा से कहने लगती है कि तुम दिखने में अच्छी दिखती हो, लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे इतनी बड़ी डेविल होगी मुझे पता नहीं था। लिजा यहाँ पर मियाँ से कहने लगती है कि तुम यही चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो मैं जा रही हूँ। फिर यहाँ से वो जाने लगती है तो मियाँ कहते कि रुको, तुम इतनी आसानी से क्यों जा रही हो, तुम्हें पता है जब यहाँ पर तुम आर्ग्यूमेंट कर रही थी तो मेरी रिंग टूट चुकी थी तुम्हारी वजह से। लिजा कहते कि तुम्हारी रिंग मेरी वजह से टूटी, मैं तो ना तुम्हें टच किया है ना तुम्हारी रिंग को, तो तुम ब्लेम मुझ पर कैसे डाल सकती हो। और यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि बकवास बातें करना बंद करो, मैंने जो कहा वो मैंने कह दिया। तो यहाँ पर सभी स्टाफ लिजा को आजू बाजू से पकड़ लेते हैं। दूसरा सेक्रेटरी जा रहा होता है तो यहाँ पर वो सारी चीजें देख लेता है और वो जाकर चांद को सब कुछ बताने लगता है। चांद यहाँ पर उसे पूछता है कि मैंने तुमसे कहा था कि उस क्लब का सीसीटीवी फुटेज रिकवर करने के लिए। असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि 10 मिनट में सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। फिर चांद चला जाता है बाहर की तरफ। यहाँ पर जीजो होता है, वो लिजा से कहने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब काम करते हुए। लिजा उसे बोलने लगती है कि तुम तो यहाँ पर मेरे लिए आए थे, अब तुम मियाँ का साथ क्यों दे रहे हो। जी उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि ज्यादा बात करना बंद कर दो, एक तो ये बच्चा किसी और का है, ऊपर से तुम यहाँ पर लोगों की चीजें तोड़ रही हो। फिर यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं इस बात को प्रूव कर सकती हूँ, हम सीसीटीवी फुटेज को देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हुई होगी। तो फिर मैनेजर बोलने लगती है सीसीटीवी तो टूट चुका है, तुम उसे नहीं देख सकती। मियाँ यहाँ पर कहने लगती है कि हाँ अब तुम क्या करोगी। लिजा बोलने लगती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, सीसीटीवी अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर तो मैनेजर भी उसे थप्पड़ मार देती है। फिर इतने में ही सभी एम्प्लॉयज उसे जबरदस्ती नीचे नील डाउन करवाते हैं और धक्का मारने लगते हैं। साथ साथ मियाँ इतनी बुरी होती है कि वो उसके मुंह के ऊपर पूरा एक कांच का ग्लास फोड़ देती है और उसके हाथों में भी लग जाता है। इतने में चांद वहाँ पर आता है, सबसे पूछने लगता है कि आगे क्या चल रहा है, और मियाँ ऐसा बिहेव करने लगती है जैसे कि लिजा उसे बोली कर रही हो। चांद मियाँ से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। फिर मियाँ उसे सब कुछ बताने लगती है, जहाँ पर चांद बोलता है कि ये अच्छी बात नहीं हुई, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो, जिसके पेट में बच्चा होता है उसके साथ ये सब करने में तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें तो सजा मिलकर जाएगी। फिर यहाँ पर मियाँ उसे सजा देने लगती है और कहती है कि हाँ मैं तुम्हें इस डिपार्टमेंट से सीधा क्लीनिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रही हूँ, तुम्हें हर रोज बाथरूम साफ करना होगा, जब तक वो बाथरूम हर सेकंड हर मिनट क्लीन नहीं रहता। फिर यहाँ पर सभी स्टाफ एक एक कर बेचारे की बुझाया करने लगते हैं। जी तो कहता है कि माफ कर देना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आजकल अचानक पता नहीं उलपटांग चीजें करने लगती है। यहाँ पर लिजा उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है। फिर यहाँ पर सभी लोग उसकी बुराई करते और कहने लगते हैं कि आपको पता है ये किसी और के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है। वो प्रेग्नेंट है ये बात सुनकर शान को शक होने लगता है कि सचमुच कहीं ये वही तो लड़की नहीं है जो उस दिन क्लब में थी। यहाँ पर जी बोलने लगता है कि हाँ बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, आप उसे इस कंपनी से निकाल सकते हैं, मैं इसका ध्यान दे दूंगा। लिजा यहाँ पर बोलने लगती है गर्लफ्रेंड 2 महीने पहले हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है, तो तुम किस हक से मुझ पर हक जता रहे हो। यहाँ पर वो उसके कान में बोलने लगता है कि तुम चुपचाप रहोगी वरना मैं तुम्हें न्यूयॉर्क के दिन ही जान से मार डालूंगा। और यहाँ पर लिजा चुपचाप रह जाती है। फिर यहाँ पर छान के सर में दर्द होने लगता है क्योंकि उसे उस क्लब वाली लड़की का फेस याद ही नहीं आता, लेकिन उसे याद आता है कि वो जेड पेंडेंट के ऊपर उस लड़की का ब्लड गिरा हुआ था। फिर यहाँ पर वो जेड पेंडेंट को निकालता है और मियाँ से कहता है कि तुम अगर इस पर अपना खून डालोगी तो फिर वो शाइन होने लगेगा, और अगर वो शाइन हुआ इसका मतलब तुम वही लड़की हो, लेकिन अगर ये शाइन नहीं होता है तो फिर तुम वो लड़की नहीं हो। यहाँ पर मियाँ से बोलने लगती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। चानू से बोलने लगता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन तुम ये टेस्ट करने से डर क्यों रही हो। साथ साथ मैनेजर भी बोलने लगती है कि यस मैडम आपको ये टेस्ट कर लेना चाहिए ताकि सबको पता चले कि आप ही रियल हो। इसके बाद में यहाँ पर मियाँ वो टेस्ट करने के लिए रेडी नहीं थी, तो फिर चांद खुद के हाथ में वो कचर उठाता है और उसकी उंगलियों में हल्का सा स्क्रैच कर देता है, तो एक बूंद उसका गिर जाता है उस पेंडेंट पे, लेकिन वो पेंडेंट शाइन नहीं होता और सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। सभी स्टाफ कहने लगते हैं कि ये जो पेंडेंट है वो एन सिस्टर से चलता आ रहा है, तो फिर ये पेंडेंट झूठ नहीं बोल सकता, हमें यकीन नहीं हो रहा कि मियाँ आपकी बेटी के साथ प्रेग्नेंट नहीं है। फिर यहाँ पर वो बोलने लगते हैं कि क्या पता जिस लड़की को मिस्टर चांद ढूंढ रहे वो कोई और नहीं बल्कि लिजा ही हो। यहाँ पर बाद में जी बोलने लगता है कि नहीं नहीं वो लड़की लिजा तो हो ही नहीं सकती, मैं कह रहा हूँ ना आखिर वो आपके बच्चे के साथ कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, आप इसकी बात तुम्हें बताओ, ये बहुत ही चालाक इंसान है, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर छान उसे उसका मुंह बंद करने के लिए बोलता है। फिर छान लिजा से कहता है कि हमने मियाँ का टेस्ट किया,
क्या तुम टेस्ट कर सकती हो? बस देखने के लिए, मियाँ बोलने लगती है कि तुम मुझ पे भरोसा करने के बदले उस पे भरोसा कर रहे हो। ये जेड पेंडेंट बहुत पुराना है और अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, लोग बदल रहे हैं, टाइम बदल रहा है, तुम इस चीज पर क्यों विश्वास कर रहे हो? यहाँ पर अब मैं चांद मियाँ को आगे दिखाने लगता है, जहाँ पर मियाँ चुप हो जाती है और चांद लीसा को उसे टेस्ट करने के लिए दे देता है। लीसा अपना ब्लड रोज पेंडेंट पर डालती तो है, लेकिन फिर भी वो पेंडेंट शाइन नहीं होता। यहाँ पर सभी लोग हंसकर बोलने लगते हैं कि बड़ी आई, तुमको ये क्या लगा था कि तुम इससे चांद की वाइफ बन सकती हो? और तो वहाँ की एक स्टाफ लीसा को थप्पड़ भी मार देती है। लीसा उसे बोलने लगती है कि मैंने ये सारी चीजें तुम सबके बोलने पर की है, खुद ब खुद नहीं। फिर यहाँ पर जी बोलने लगता है कि मेरी वाइफ को माफ कर दीजिए, मैं इसे लेकर घर जा रहा हूँ। लीसा उसके साथ जाने से मना कर देती है, तो फिर जी उसे धमकी देने लगता है और यहाँ पर वो उसे खींच कर ले जाने लगता है, जहाँ पर चांद को उसके चेस्ट पर वो रेड कलर का बर्थ मार्क दिख जाता है और वो उसे रोक लेता है। मियाँ यहाँ पर समझ जाती है कि जरूर कुछ तो बात है जो कि चांद को लगा है उसे रोककर पूछना चाहिए। फिर यहाँ पर वो पेट दर्द का बहाना करने लगती है, जहाँ पर चांद लीसा को इग्नोर करके मियाँ को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। डॉक्टर उसे बताने लगती है कि ज्यादा कुछ सीरियस बात नहीं है, प्रेगनेंसी में अक्सर ये सब हो जाया करता है। अगर कोई कुछ डर गया हो या फिर कोई बुरी चीज देख ली हो तो उन्हें स्टमक एक या फिर चक्कर जैसा आ सकता है। डॉक्टर के यहाँ से जाने के बाद चांद उसे कहने लगता है कि मैं बस एक चीज कन्फर्म करना चाहता हूँ कि उस दिन तुम्हारे कॉलर वाले बोन पर एक रेड कलर का बर्थ मार्क था, क्या तुम मुझे वो दिखा सकती हो? यहाँ पर मियाँ अपने शर्ट को पकड़ कर कहने लगती है कि अभी भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, आखिर तुम मुझ पर भरोसा कब करोगे? तुम्हें मुझ पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है। चांद यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए बस मुझे वो बर्थ मार्क एक बार दिखा दो, फिर मैं तुम पर ट्रस्ट करने लगूंगा। फिर यहाँ पर मियाँ अपना शर्ट हटाती है जहाँ पर वो बर्थ मार्क होता है और वो रोने का नाटक करने लगती है और कहती है कि मुझे अब नहीं रहना तुम्हारे साथ, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते हो तो तुम मेरे बच्चे पे कैसे ट्रस्ट करोगे? और यहाँ पर चांद से माफी मांगने लगता है। फिर मियाँ यहाँ पर हक करती है और मन में बोलने लगती है कि मुझे लीसा के बर्थ मार्क के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए मैंने एडवांस में ही सारे प्रिपरेशन कर लिए थे। फिर यहाँ से चांद चला जाता है। लीसा यहाँ पर जी पर चिल्ला रही होती है और कहती है कि मैं तुमसे 100 बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती और मैं अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरा जी को कॉल आ जाता है मियाँ का, जो उसे कहने लगती है कि 2 मिलियन रुपीज मैंने तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर करवा दी है, मैं वो 5 मिलियन तुम्हें और दे सकती हूँ अगर तुम लीसा के साथ सचमुच शादी कर लोगे। और जी यहाँ पर जान लेता है कि पैसों के लिए वो तो कुछ भी करने के लिए रेडी है। लीसा यहाँ पर अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे टॉन मारने लगती है कि आखिर तुम आज किस लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर आई हो। लीसा अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज कम से कम एक दिन तो मेरे साथ रिस्पेक्टफुली बात कर दीजिए। यहाँ पर उसकी मॉम उसे थप्पड़ लगा कर कहती है कि मेरे साथ यहाँ पर बातचीत क्या कर रही हो, जाओ और जाकर खाना बनाओ। फिर लीसा यहाँ पर अपने पेट पर हाथ रखकर कहने लगती है कि मैं मेरे बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वो यहाँ पर खाना बना रही होती है तो फिर जी इतने में वहाँ पर आ जाता है, कई सारे गिफ्ट्स और एक बैग जिसमें सारे पैसे भरे होते हैं। और यहाँ पर वो बोलने लगता है कि मैं आ चुका हूँ, लीसा मेरे बेटे के साथ प्रेग्नेंट है तो मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर तो उसकी मॉम गिफ्ट्स को देखकर लालची बन जाती है, साथ ही साथ जी यहाँ पर उसे पैसे भरा बैग भी बताता है। लीसा की मॉम बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अमीर हो। वो कहने लगता है कि ये तो बस एक छोटी सा गिफ्ट है, मैं आपको आगे और भी देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन बस लीसा मुझे शादी करनी चाहिए। और उसकी मॉम उसे कहने लगती है कि क्यों नहीं करेगी वो तुमसे शादी, जरूर करेगी वो तुमसे शादी, लेकिन लीसा जी के साथ शादी करने से मना कर देती है। उसकी मॉम उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं जो बोल रही हूँ वो चुपचाप करो और इसके साथ शादी कर लो। लीसा उसकी मॉम को बहुत ना बोलती है, लेकिन उसकी मॉम लीसा की बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती। उसकी मॉम यहाँ पर उसका सारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ला देती है और कहती है कि आज के आज तुम्हारी शादी होगी, इसे लो और चले जाओ। तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए लीसा उसे कहने लगती है कि मॉम वो आपको 2 लाख रुपीज का दे रहा है, आप उस चीज के लिए मेरे साथ उसकी शादी करवाने के लिए रेडी हो? तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है अगर तुम 1 साल भी उस कंपनी में जॉब कर दोगे तो भी तुम्हारी सैलरी इतनी नहीं आ पाएगी, मुझे जो दिखता है मैं उसमें खुश रहती हूँ, जाओ और जाकर अपना वेडिंग सर्टिफिकेट बना लो। इसके बाद में वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो फिर लीसा जी से कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जी यहाँ पर उसे बोलता है कि अपना चालाक भरा आइडिया निकालना बंद करो, मैं तुम्हारी मॉम को ऑलरेडी पैसे देकर आ गया हूँ,
लीजा बोलती कि नहीं मैं सच कह रही हूँ, मेरे पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। एंड यहाँ पर वो वॉशरूम के गेट के बाहर खड़ा होता है। लीजा यहाँ पर सोचने लगती है कि मैं अपनी लाइफ ऐसे लड़के के साथ स्पेंड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यहाँ पर तो जी वेट करता रहता है लेकिन फिर भी लीजा बाहर नहीं आती और उसे लगने लगता है कि कहीं वो भाग तो नहीं गई, और वो अंदर जाकर चेक करने लगता है। जहाँ पर उसे लीजा के शूज मिल जाते हैं तो वो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन लीजा यहाँ पर लॉक को पकड़ खड़ी थी। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो देखता है कि विंडो तो खुला हुआ है, शायद लीजा वहाँ से भाग गई हो। और लीजा उस विंडो से भाग जाती है। जी उसे ढूंढते उस विंडो की तरफ आता है और उसे भागता हुआ देख लेता है। लीजा भागते भागते छान से टकरा जाती है जहाँ पर जी आ जाता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, अभी भी ये आपको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। फिर बाद में वो उसके नीड्स पर भी मार देता है और उसे नीलदान करवाने लगता है और कहता है कि अभी के अभी माफी मांगो। वो तीसरी बार उसे थप्पड़ मारने वाला था लेकिन यहाँ पर जान उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता प्रेग्नेंट लेडी को मारना एक बुरी बात है। फिर यहाँ पर लीजा से बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। जी उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो, हमें जाकर हमारा वेडिंग सर्टिफिकेट लेना है। लीजा उसे कहने लगती कि नहीं तुम मेरे होने वाले बच्चे के बाप नहीं हो और तुम ये वेडिंग वाली बात तो भूल ही जाओ, मैं तुम्हारे साथ ना रह सकती हूँ और ना ही शादी कर सकती हूँ। जी यहाँ पर सोचने पड़ जाता है कि अभी छान यहाँ पर खड़ा है और अगर लीजा ने सचमुच पुलिस को बुला दिया तो फिर ये एक कंट्री वाला मैटर बन जाएगा, जहाँ पर मियाँ मुझे छोड़ेगी नहीं, तो बेहतर यही होगा कि मैं अभी यहाँ पर चुप रहूँ। फिर यहाँ पर जी उसे कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर वो गुस्से में निकल जाता है। जहाँ पर लीजा छान को थैंक यू बोलने लगती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन छान उसे कहता है कि थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मियाँ से दूर रहा करो, वही मेरे लिए बहुत होगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर लीजा सोचने लगती है कि न जाने इसे मियाँ में क्या दिख गया, लगता है इसकी आँखें खराब है। पर जी मियाँ को कॉल लगाकर सब कुछ बताने लगता है। मियाँ बोलती है कि क्या वो पुलिस को बुलाने वाली थी। जी कहता है कि हाँ इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप चला गया क्योंकि तुम्हारा फियांसे भी वहाँ पर खड़ा था, अगर वो नहीं होता मैं तो ऐसा घसीट का मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जाने के लिए चला जाता। मियाँ यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि ठीक है जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम्हारे पास एक और मौका है, एक इवेंट वाला है, तो एक इवेंट आने वाला है, मैं उस इवेंट का मौका तुम्हें देती हूँ, लेकिन इस बार अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो तुम देख लेना। लीजा यहाँ पर कंपनी से बाहर निकलती है तो वहाँ पर जी आ जाता है जो उसे बुके देकर माफ़ी मांगने लगता है, साथ साथ उसे वो ड्रेस भी दे देता है और कहता है कि तुम्हारी कंपनी का एक एनुअल इवेंट होने वाला है तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम ये पहनो। लेकिन लीजा बुके या फिर वो ड्रेस लेने से साफ मना कर देती है और जी उसे पहलाने फोर्स लाने लगता है और वो दोनों चीज़ें उसे देकर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैंने मेरे फ्रेंड से एक्स्ट्रा टिकट मांगे है, अगर वो मुझे टिकट दे देगा तो मैं कल तुम्हारा साथ दूंगा। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरा वो इवेंट वाला दिन आ जाता है जहाँ पर सभी लोग मियाँ को देखकर उसकी और ड्रेस की तारीफ करने लगते हैं। यहाँ पर इतने में ही लीजा आ जाती है जो सेम ड्रेस पहनकर आई होती है, तो फिर सभी लोग बोलने लगते हैं कि देख रही हो कैसे वो डुप्लीकेट वाला ड्रेस पहनकर आ रही है। फिर यहाँ पर मियाँ को बोलने लगती है सभी को कि मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसा सेम ड्रेस कोई पहने, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लीजा यहाँ पर सभी को कहने लगती है कि ये ड्रेस मुझे मेरी मम्मा ने भिजवाया है तो फिर मैं ये ड्रेस को क्यों उतारूँ। यहाँ पर सभी को वो बोलने लगती है कि जाओ और जाकर लीजा के बॉडी से उस ड्रेस को उतार दो। और तो यहाँ पर मियाँ उसके ड्रेस पर वाइन भी फेंक देती है। फिर उसके बाद में सभी लोग वहाँ पर जाते हैं जो उसके ड्रेस के साथ में जबरदस्ती करने लगते हैं। लीजा यहाँ पर समझ जाती है और कहने लगती है कि अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ, तुमने ही जी को भेजा था उस ड्रेस के साथ में ताकि तुम आज मेरे साथ ये सारी चीजें कर पाओ। सभी स्टाफ और भी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट की वाइफ के ऊपर इंजाम लगाने की। और यहाँ पर वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो लोग उस ड्रेस को फाड़ सके। फिर यहाँ पर मियाँ लीजा के ड्रेस पर वो बर्थ मार्क देख लेती है और सोचते है कि अगर ये मार्क वापस से छाने देख लिया तो उसे चीजें याद आने लगेगी। तो वो स्टाफ को कहते है कि इसे छोड़ दो, जाने दो, मैं चाहती हूँ कि तुम बस नीलदान करके माफी मांग लो। सभी स्टाफ कहने लगते कि हाँ नीलदान करके माफी मांगो वरना हमारी मैडम तुम्हें यहाँ से फायर कर देगी। फिर बाद में लीजा यहाँ पर नीलदान करने वाली होती है कि इतने टाइम में जी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर लीजा जी पर चिल्लाने लगती है और जी बोलता है कि प्लीज अपने दिमाग से काम लो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम दोनों की बेइज्जती हो सकती है। फिर यहाँ पर वो मियाँ से कहने लगता है कि हम दोनों मिलकर आपसे माफी मांगेंगे। और यहाँ पर वो दो वाइन का ग्लास उठा लेता है जहाँ पर वो वाइन का ग्लास पीकर उसे माफी मांगता है, साथ साथ वो लीजा को भी दूसरा वाइन का ग्लास दे देता है। लेकिन लीजा उसे पीती है तो उसे कुछ भी ऐसा लगता है। इसके बाद में जी
बेबी से कहता है कि मैं जाता हूँ और लीजा का दूसरा कपड़ा पहनवा कर लाता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर लीजा अपने होश और आवाज में नहीं होती, जहाँ पर जी उसे लेकर जा रहा था और कह रहा था कि आज मैं मेरा प्लान पूरा करके रहूंगा। दूसरा छान उसे देख लेता है, वो उस तरफ जाने लगता है तो एक वेट्रेस गलती से वाइन उस पर गिरा देती है। उसका असिस्टेंट छान से कहने लगता है कि आपको नहीं लगता ये बहुत इनअप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि आपकी फियांसे है और तार वो लीजा का बॉयफ्रेंड है, आपकी फियांसे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। छान यहाँ पर मन में सोचने लगता है कि न जाने क्यों ऐसा लगता है कि लीजा ने मियाँ को नहीं बल्कि मियाँ ने लीजा को बुली किया होगा। फिर यहाँ से वो कपड़े बदलने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर जी लीजा को पोर्शन पर लिटा देता है और यहाँ पर वो कपड़े निकालते हुए कहने लगता है कि देखना आज तो तुम्हें मैं पूरा बर्बाद कर ही रहूंगा। और यहाँ पर जी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जहाँ पर लीजा उसके सेंसिटिव एरिया में पैर मार देती है और वहाँ से भाग जाती है और वो दूसरे रूम में चली जाती है छुपने के लिए। और उस दूसरे रूम में होता है छान, जहाँ पर लीजा अपने स्लीव्स को उतारने लगती है तो फिर उसका बर्थमार्क जो होता है वो छान को दिख जाता है और छान उस बर्थमार्क को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा जी चला जाता है मियाँ को सब कुछ बताने के लिए और मियाँ जी को थप्पड़ मारते हुए कह देती है कि ये आखिरी मौका था हमारे पास, अब कुछ ऊपर नीचे हो गया था क्या पता मेरा नाम बीच में लग जाए और छान मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। फिर यहाँ पर दूसरा हम लीजा को देखते हैं, जहाँ पर वो बाथरूम में होती है और उसकी अचानक से नींद खुलती है, जहाँ पर उसका सर तो फट ही जा रहा था। फिर यहाँ पर छान आ जाता है, जहाँ पर लीजा को याद आने लगता है कि छान उसे बाथरूम में लेकर गया था ताकि वो उसे शॉवर दे सके और उसका जो हॉटनेस है वो कूल डाउन कर सके। और यहाँ पर लीजा उसे किस कर लेती है, इसके बाद में वो उसे माफ़ी मांगने लगती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है तो उसे थैंक यू और सॉरी वापस से बोलती है। इतने में ही मियाँ आ जाती है डोर पर, जहाँ पर छान डोर ओपन करने जा रहा था, लेकिन लीजा उसे बोलने लगती है कि प्लीज़ मियाँ हमारे बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगी। छान बोलते हैं कि डरने वाली कौन सी बात है, मैं उसे समझा दूंगा और ऐसे भी हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर जैसे ही छान दरवाज़ा ओपन कर मियाँ चेक करने लगती है कि अंदर कोई है तो नहीं और लीजा भाग जाती है बाथरूम के अंदर। फिर जैसे ही छान जाता है लीजा भी अपने कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में छान ऑफिस में होता है, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि जाओ और लीजा के कॉलर बोन पर जो प्लम वाले फ्लावर का बर्थमार्क है उसके बारे में पता करो। फिर यहाँ पर इसकी सारी बातें मियाँ सुन लेती है और बोलने लगती है कि मुझे लगा ही था कि वो उसके रूम में चली गई होगी और तो और छान को शक जा रहा होगा। फिर छान के लिए वो सूप लेकर आ जाती है। यहाँ पर छान उसका हाथ पकड़ कर स्मेल करने लगता है और पूछता है कि उस रात को तो तुम एकदम अलग स्मेल कर रही थी और अब तुम्हारी बॉडी में वो स्मेल ही नहीं है। मियाँ उसे जोर जोर कहने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो डॉक्टर ने मुझे कोई भी परफ्यूम यूज करने से मना किया है। फिर यहाँ पर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन छान उसे कहता है कि हाँ एक बार हमारी शादी हो जाने दो उसके बाद तुम मेरे साथ रह सकती हो। और तो छान को यहाँ पर ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमा उस पर चिल्ला रही होती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहती है कि तुमने मुझे तुम्हारे होने वाले बच्चे के बारे में नहीं बताया। छान कहती है कि मैं कुछ दिनों में आपको आपकी बहू से मिलवा दूंगा। ग्रैंडमा बोलने लगती की जरूरत नहीं है, तो मुझे बस इसका नाम बता दो, बाकी सारी चीजें मैं खुद ब खुद हैंडल कर लूंगी। दूसरा यहाँ पर लीजा काम कर रही होती है तो फिर मियाँ जानबूझकर यहाँ पर डस्टबिन को गिरा देती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें ठीक से साफ सफाई करनी नहीं आती क्या। फिर बाद में लीजा यहाँ पर वो बाकी का भी कचरा साफ करने लगती है। इतने में ही एक ग्रैंडमा आती है जो उसकी हेल्प करने लगती है। मियाँ उसे कहती है कि बुढ़ी औरत तुम इस चीज़ों से बाहर ही रहो वरना मैं तुम्हें इस कमरे से निकाल दूंगी। ग्रैंडमा बोलने लगती है कि तुम मुझे इस कमरे से निकाल लगी, जरा निकाल कर तो दिखाओ। फिर यहाँ पर वो लीजा पर चिल्लाने लगती है और ग्रैंडमा बोलने लगती है कि तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है। और मन में वो सोचने लगती है कि न जाना छान को इस लड़की में क्या दिखा होगा जो इसके साथ शादी कर रहा है। फिर यहाँ पर वो ग्रैंडमा के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगती है और कहती है कि देखना मैं तुम्हें कौन सी सजा देती हूँ। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम ग्रैंडमा पर क्यों चिल्ला रही हो और उनके साथ इतना रूडली क्यों बात कर रही हो, वो तो बस मेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी, तुम एटलीस्ट उन पर तो मत चिल्लाओ। फिर यहाँ पर वो स्टाफ को बुलाती है और ग्रैंडमा और लीजा को पकड़ने के लिए बोलती है। लीजा कहती है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम ग्रैंडमा को छोड़ दो, लेकिन मियाँ बोलने लगती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे जो करना होगा मैं करूंगी और इस बूढ़ी औरत को भी कुछ काम नहीं है जो आ गई तुम्हारे यहाँ पर साइड लेने के लिए। यहाँ पर वो ग्रैंडमा बोलने लगती है कि मैं तुमसे अभी कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें बंद कर दो वरना मेरा ग्रैंडसन आएगा तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सभी स्टाफ लोग बोलने लगते हैं कि ग्रैंडसन कौन है तुम्हारा ग्रैंडसन, कोई छोटी सी कंपनी का एम्प्लॉई होगा ना, वो क्या हमारा बिगाड़ सकता है, अभी क्या अभी नीलांगर का माफ़ी मांग लो तो फिर हम तुम पर ज़्यादा
रूड नहीं बिहेव करेंगे। लीजा यहाँ पर ग्रैंडमा से माफ़ी मांगते कहती है कि आपको नेल डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नेल डाउन कर दूंगी, ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हो रही है, आप तो बस मेरी हेल्प करना चाहती थी। ग्रैंडमा यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि ये बेचारी कितनी अच्छी है और इसे देखो ये कितनी अकड़ू है। यहाँ पर मियाँ बोलने लगती है कि लगता है ये बुढ़ी औरत भी इसके रिलेटिव है, इसके लिए इसका साइड ले रही है, तो मैं तुम्हें अभी के अभी फायर करती हूँ। जहाँ पर सभी लोग जबरदस्ती ग्रामा को बाहर निकाल रहे थे तो पीछे से शान आ जाता है और अपने ग्रामा को पहचान लेता है और यहाँ पर वो सभी पर चिल्ला उठता है। मैनेजर कहने लगती है कि आपने तो इनकी ग्रामा के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। शान को गुस्सा आ जाता है जहाँ पर वो मियाँ से पूछने लगता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया। यहाँ पर मियाँ बोलने लगती है कि एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ये ग्रैंडमा है, क्योंकि इन्होंने क्लीनर के कपड़े पहने थे ना, अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारी ग्रैंडमा है तो मैं उनके साथ ऐसे बिहेव नहीं करती। मियाँ यहाँ पर ग्रैंडमा के पास चली जाती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप ग्रैंडमा हो, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ग्रैंडमा बोलती है मिसअंडरस्टैंडिंग, लगता है तुम हर किसी लोगों के साथ ऐसा ही बिहेव करती हो, मुझे नहीं पता था कि मेरे होने वाली बहू ऐसी गंदी निकलेगी। फिर यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलने लगती है जहाँ पर छान बोलता है कि अच्छे से माफ़ी मांगो, तो फिर यहाँ पर वो बोधन कहकर ग्रैंडमा से माफ़ी मांगती है। ग्रैंडमा उसे कहने लगती है कि मुझसे क्या माफ़ी मांग रही हो, माफ़ी मांगना है तो इस बेचारी बच्चे से मांगो जिसे तुम जानबूझकर टारगेट कर रही थी। मियाँ कहने लगती है कि मैं इसे माफ़ी नहीं मांगूंगी, गलती सब कुछ इसी की थी। ग्रैंडमा बोलने लगती है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि गलती किसकी थी, मैं साफ साफ देख रही थी कि तुम जानबूझकर इसे टारगेट कर रही थी, अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो याद रखना मैं तुम्हें मेरे घर पे एक कदम भी रखने नहीं दूंगी। और यहाँ पर बाद में मियाँ लीजा से माफ़ी मांगने लगती है। ग्रैंडमा बोलती है कि मुझे तुम्हारी तो आवाज़ तक नहीं आ रही, थोड़ा जोर से माफ़ी मांगो। फिर वापस से वो उससे लीजा से जोर से माफ़ी मांगती है। ग्रैंडमा यहाँ पर लीजा के साथ कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। यहाँ पर मियाँ छान के पास आती है लेकिन छान भी उस पर गुस्सा हो जाता है और मियाँ फाइनल डिसीजन बना लेती है कि लगता है अब सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा लीजा को देखकर खुश होती है और कहती है कि ये जो ड्रेस है वो छान की मम्मा का था, ये तो तुम्हें बहुत प्रॉपरली फिट हो रहा है। मम्मी वो बोलने लगती है कि ये तो मियाँ से 100 गुना अच्छी है और कितनी कायनात रहता है, काश ये मेरे बेटे की होने वाली वाइफ बन सकती। फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तुम्हें छान कैसा दिखता है? तो बोलती है कि मिस्टर छान तो अच्छे दिखते हैं। फिर यहाँ पर वो उसे प्रपोजल दे देती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे के साथ शादी करो। लीजा यहाँ पर बोलने लगती कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, उसके पास ऑलरेडी फियांसे है। ग्रैंडमा बोलने लगती है कि वो कितनी बड़ी चालाक है मुझे अच्छे से पता है, मैं हर एक लोगों को जान चुकी हूँ और मुझे हर एक लोगों की नीयत के बारे में पता है और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल अलग हो। लीजा यहाँ पर ग्रैंडमा से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मैं छान से शादी नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि इस बच्चे का होने वाला डैड कौन है। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा बोलने लगती है कि लगता है कि मेरे ग्रैंडसन के जो लक है वो बहुत ख़राब है कि तुम उसकी वाइफ नहीं बन सकती, लेकिन हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आगे अगर तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कोई भी डिफिकल्टी होगी तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहूँगी और तुम ऑफिशियली मेरी ग्रैंड डॉटर हो। यहाँ पर मियाँ चांद के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती है और वो उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन चांद से कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो। मियाँ फिर बाद में उसका हाथ पकड़ कर बोलने लगती है कि तुम कितने काइंड हार्टेड हो, लेकिन चांद उसे कहता है कि प्लीज़ यहाँ पर खड़े होकर मुझसे बात मत करो और यहाँ से चली जाओ। मियाँ उसे कहती है कि मैं अपने टेस्ट करवाने के लिए जा रही हूँ तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे ना, लेकिन चांद उसे ना बोल कर कह देता है कि नहीं मैं सेक्रेटरी को भेज दूंगा वो तुम्हारे साथ चला जाएगा, और मैं अभी तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो अभी बता दो, अगर मुझे पता चल जाएगा तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मियाँ बोलने लगती है कि आखिर मैं तुमसे क्या ही छुपा सकती हूँ, और यहाँ पर वो बातों को पलट देती है। वो फिर बाद में उसे अपना मिल्क और टोस्ट ब्रेड देती है, लेकिन चांद उसे साइड कर देता है और उसे छूता तक नहीं है। मियाँ यहाँ पर गुस्से में ब्रेकफास्ट कर रही होती है जहाँ पर वो जी को कॉल लगा देती है। जी उसे कह देता है कि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ आप मुझे कॉल मत क्या करो। मियाँ बोलती है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। जी कहता है कि मुझे पता है तुम शायद उसे मारना चाहती हो, लेकिन मैं किसी का मदद नहीं कर सकता। मियाँ कहती है जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये काम और भी आसान है, तुम बस मेरे लिए उसके बच्चे को इस दुनिया से उठा लो और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पर जी और लीजा मिलते हैं जहाँ पर उनके सामने एक ऑरेंज जूस भी रखा होता है। जी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने
लगता है और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज तुम्हें कभी भी मुझसे शादी करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा और मैं तुम्हारा नॉर्मल फ्रेंड बनकर जाऊँगा। लीजा बोलती कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जी कहता कि नहीं मैं तुम पर यकीन नहीं करता, एक काम करो ये ऑरेंज जूस पी लो फिर मैं विश्वास करूँगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। यहाँ पर लीजा ऑरेंज जूस पी लेती है और जी ने उस ऑरेंज जूस में कुछ मिलाया होता है। जैसे ही लीजा वहाँ से जाती है उसके पेट में से खून आने लगता है और तो यहाँ पर उसे चक्कर आता है जहाँ पर वो गिर जाती है। यहाँ पर बाद में वो हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर डॉक्टर उसे कहती है कि अबॉर्शन पिल्स मत लिया करो वो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है और तो और तुम्हारी जान भी जा सकती है। लीजा बोलने लगती है कि लेकिन मैंने तो ये सब नहीं लिया। फिर बाद में डॉक्टर उसे रिपोर्ट बताने लगती है। लीजा को याद आ जाता है कि जी ने उसे ऑरेंज जूस पीने के लिए दिया था तो क्या पता उसमें उसने वो सारे ड्रग्स मिस कर दिए हो। फिर यहाँ पर वो बाहर निकलती है जहाँ पर जी उसके पास जाता है तो वो उसे अपने आप से दूर कर देती है। इतने में ही दूसरे ओर से मियाँ और छान आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग लीजा और जी को देख लेते हैं तो फिर जी उसे अपने पास कर लेता है और कहता है कि हम यहाँ पर बस अबॉर्शन प्रोसेस के लिए आए थे। लीजा जी को झूठ बोलने से मना करती है। जी बोलता है कि अरे अभी तो डॉक्टर ने कहा कि तुमने अबॉर्शन पिल्स लिए थे तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। लीजा बोलने लगती है कि वो अबॉर्शन पिल्स तुमने मुझे दिए थे जानबूझकर। मियाँ यहाँ पर चांद को कहते हैं कि चलो हमें चलना चाहिए। दूसरा यहाँ पर वो लोग जगा रहे होते हैं जहाँ पर लीजा उसे कह रही थी कि तुम मेरा पीछा करना कब बंद करोगे, हम भले रिलेशनशिप में थे लेकिन आज तक हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं हुआ है और मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है, 1 मंथ पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। ये बात सुनते ही चांद चौंक हो जाता है और बोलने लगता है 1 मंथ पहले। मियाँ यहाँ पर जान जाती है कि चांद 1 मंथ पहले उस क्लब में गया था। अगर लीजा ने और मुँह खोला तो फिर यहाँ पर उसे सारी सच्चाई पता चल जाएगी। तो फिर मियाँ यहाँ पर ऊटपटांग बातें बनाने लगती है और लीजा को समझाने लगती है। लीजा बोलते है कि तुम मुझे बातें बताना बंद कर दो तो बेहतर होगा। फिर बाद में मियाँ और चांद वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर जी लीजा का जो गला है वो पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाने लगता है, साथ साथ उसे दम क्या भी देने लगता है। यहाँ पर बाद में लीजा उसे चिल्लाती है और कहती है कि मैं अबॉर्शन बिल्कुल नहीं कराऊंगी तुम यहाँ से चले जाओ। जी उसे बोलने लगता है कि माना मैं बहुत बुरी बातें करता हूँ लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे पास कभी डैड नहीं रहे तो सोचो जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में जन्म देगा उसके पास फादर नहीं रहेगा तो लोग उसे बुली करेंगे उसकी लाइफ ऐसी ही खराब हो जाएगी तब तुम क्या करोगी। लीजा बोलने लगती है कि मैं इसके डैड को ढूंढ कर ही रहूंगी। जी कहने लगता है कि कैसे ढूंढोगी, क्लब में 100 लोग आते हैं 100 लोग जाते हैं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसका डैड कौन है, यही अच्छा होगा कि तुम अबॉर्शन करवा लो। और यहाँ पर वो उसे इमोशनल टॉर्चर करने लगता है जहाँ पर लीजा रोते हुए हाँ बोल देती है और अबॉर्शन वाले क्लिनिक में चली जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसे एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहती है। यहाँ पर बामे चांद घर पर आ जाता है जहाँ पर ग्रैंडमा मियाँ से कहने लगती है कि मुझे ग्रैंडमा मत बुलाओ और ऊपर जाओ मुझे मेरे ग्रैंडसन से कुछ बात करनी है। ग्रैंडमा चांद को बोलने लगती है कि तुम्हें पता है ना तुम उस लड़की को ढूंढ रहे थे जिसकी कॉलर बोन पर वो बर्थमार्क है तो फिर वो बर्थमार्क लीजा के कॉलर बोन पर ही है, क्या पता वो तुम्हें स्विच हो गए हो और तुम्हारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तुम एक बार इन्वेस्टिगेट करके देखो मुझे लगता है कि लीजा ही हो सकती है वो लड़की। चांद यहाँ पर बोलने लगता है मैंने ऑलरेडी सबको चेक कर लिया है अब चेक करने के लिए और कुछ नहीं बचा है। दूसरा मियाँ की सारी बातें सुन रही थी। इतने में ही उसका असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है जो उसे बताने लगता है कि मास्टर आपने जो मुझे चेक करने के लिए बोला मैंने वो चेक किया और उस दिन उस क्लब में कोई और नहीं बल्कि लीजा ही गई थी। यहाँ पर चांद शॉक हो जाता है लेकिन उसे ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि देखा मैं तुमसे कहा था ना। चांद को याद आने लगता है कि लीजा अबॉर्शन करवाने वाली है जी के कहने पर तो फिर वो और ग्रैंडमा दोनों के दोनों वहाँ पर भाग कर चले जाते हैं। दूसरी ओर मियाँ यहाँ पर बोलने लगती है कि ये बुढ़ी मेरी लाइफ में बहुत तंग लगा रही है मुझे इसे रस्ते से साफ करना ही होगा। यहाँ पर बाद में हम लीजा को देखते जो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में होती है और वो बहुत हिचकिचा रही थी साइन करने से पहले लेकिन वो अपने बेबी के बारे में सोचने लगती है एंड फाइनली साइन कर देती है जहाँ पर डॉक्टर नर्स को बुला देते हैं और कहते हैं कि तुम प्रोसीजर का शुरुआत कर सकती हो। फिर यहाँ पर वो जो नर्स होती है वो सीधा इंजेक्शन को निकालती है। लीजा इंजेक्शन को देख के समझ जाती है कि मैं मेरे बच्चे को इस दुनिया से नहीं जाने दे सकती मुझे इस अबॉर्शन को तो रोकना ही होगा। यहाँ पर वो नर्स से मना करती है लेकिन नर्स उस पर चिल्ला उठती है और कहती है कि तुमने ऑलरेडी साइन कर दिया है और तुम्हें ये हॉस्पिटल का कोई प्लेग्राउंड लग रहा है कि जब चाहो ना बोलोगी जब चाहो ना बोलोगी। तो फिर यहाँ पर वो सभी नर्सेस को बुलाती है और उसे पकड़ने के लिए बोलती है और यहाँ पर लीजा बहुत जोर से चिल्ला रही थी जहाँ पर जबरदस्ती वो नर्स उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रही थी। इतने में यहाँ पर जी को
मियाँ का कॉल आ जाता है जो उसे कहने लगती है कि जो छान है वो अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पर पहुँच जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे ही वो पहुँचे वैसे ही उसे पता चल जाए कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहने वाला। जी उसे कहता है तुम टेंशन मत लो, मैंने सारी सिक्योरिटी को हैंडल कर लिया है और मैंने उस नर्स को भी पैसे दे दिए, जहाँ पर अगर लीजा ना भी बोलेगी तो भी ज़बरदस्ती हम उसका अबॉर्शन करवा देंगे। फिर यहाँ पर जी कहने लगता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर अंदर कौन जा सकता है। इतने में ही पीछे से छान आ जाता है और आते ही वो उसे पंच मार देता है, जहाँ पर जी नीचे गिर जाता है। वो उसे पूछती कि आखिर लीजा कहाँ पर है, लेकिन जी उसे कुछ भी नहीं बताता। तो फिर उसका असिस्टेंट बाजू वाले ऑपरेटिंग रूम में देख लेता है, जहाँ पर वो लीजा को पाता है। तो फिर वो बोलता है कि दरवाजा हमें किसी भी हालत में खोलना ही होगा एंड यहाँ पर सभी बॉडीगार्ड्स अपनी पूरी हिम्मत लगा देते हैं दरवाजा खोलने में एंड वहाँ पर वो लोग चले जाते हैं और नर्स को पकड़ लेते हैं, जहाँ पर छान लीजा को कंसोल करते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें और इस बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर यहाँ पर वो उसे उठाता है और ले जाने लगता है, जहाँ पर लीजा सोचने लगती है कि न जाने क्यों मेरा हार्ट बीट कुछ ज्यादा ही फास्ट हो जा रहा है। फिर बाद में छान यहाँ पर उसे VIP वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देता है, जहाँ पर सभी लोग उसकी फिक्र कर रहे होते हैं। फिर बाद में छान उसे सच्चाई बता देता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका फादर कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। लीजा को यहाँ पर यकीन नहीं होता और लीजा कहती है कि तुम्हें आखिर ये सब कैसे पता चला और मैं कैसे मान लूँ कि ये सच है। छान उसे कहने लगता है कि तुम्हें वोकल होटल याद है, तुम उस दिन उस क्लब में थी, मैं भी सिम इसी डेट पर इस क्लब में था और तुम उस रूम में थी। फिर यहाँ पर लीजा थोड़ी सी खुश हो जाती है, लेकिन इतने ही देर में जी अंदर आता है और कहने लगता है कि देखो मैंने ये सच्चाई बहुत पहले से छुपा कर रखी थी, लेकिन आज मैं सबको ये सच्चाई बताना चाहता हूँ कि उस दिन उस होटल में मैं भी था, जहाँ पर लीजा ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और तो मैंने लीजा के लिए एक मेल मॉडल बुलाया था, जहाँ पर उसने उस मेल मॉडल के साथ में नाइट स्पेंड किया था और मेरे पास प्रूफ भी है। फिर बाद में यहाँ पर जी उस मेल मॉडल को बुला देता है, जहाँ पर वो मॉडल जाकर लीजा के बहुत करीब आने लगता है। लीजा चिल्लाकर कहने लगती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि उस दिन मैंने इस लड़की को तो देखा तक नहीं था। फिर बाद में छान को गुस्सा आता है तो वो गार्ड्स को बुलाता है और उसे वहां से ले जाने के लिए बोलता है। छान यहाँ पर लीजा से पूछता है कि आखिर तुम कौन से रूम नंबर में गई थी। लीजा बोले लगते कि 309। उसी ग्रैंडमा कहते कि नहीं, छान उस दिन रूम नंबर 306 में था। और यहाँ पर हमें याद आता है कि 309 का उस दिन 306 हो गया होता है गलती से। फिर यहाँ पर जी बोलने लगता है कि देखा अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल गई कि इसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है, अब बताओ तुम इस बिच के साथ में क्या करना चाहते हो। यहाँ पर गुस्सा आ जाता है ग्रैंडमा को और उसे वो कहने लगती है कि भले ये बच्चा मेरे ग्रैंडसन का ना हो, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है उसे बिच बनाने का, ये मेरी ग्रैंडडॉटर जैसी है। यहाँ पर चान असिस्टेंट से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास उस रूम का CCTV फुटेज है। असिस्टेंट कहता है कि नहीं, वो तो कब का ब्रेक डाउन हो चुका था जिस वजह से हमें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई। तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट कहने लगता है लेकिन एक और तरीका है जिससे हम सच्चाई का पता लगा सकते हैं पैटर्निटी टेस्ट करके, और ये प्रेगनेंसी के टाइम पे हम कर सकते हैं। लीजा कहने लगती कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि न जाने किसी ने मेरे किसी मील में अबॉर्शन पिल्स मिला दिए थे जिस वजह से ये सब हो गया था और मेरा स्टमक बहुत वीक है, अगर मैंने वो टेस्ट करवाया तो हो सकता है कि मेरा मिसकैरेज हो जाएगा। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा भी टेंशन लेने लगती है, लेकिन इतने में वहाँ पर मियाँ आती है जो बोलने लगती है कि मैं ये टेस्ट करने के लिए रेडी हूँ और वो ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे पता है आप मुझे कितना हेट करती हो, लेकिन कुछ भी कर लो सच्चाई हमेशा सेम ही रहेगी, आप सच्चाई को कभी बदल नहीं पाओगी, मेरे पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि छान का ही है। फिर यहाँ पर वो लोग पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए चले जाते हैं। लीजा यहाँ पर सोचने पर जाती है कि अगर इसका डैड छान है तो फिर मेरे बच्चे का डैड कौन होगा, मुझे अच्छे से याद है कि वो मेल मॉडल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, फिर कौन हो सकता है। हमें छान मियाँ को आराम करने के लिए बोलता है और मियाँ कहते कि हाँ जब तक तुम मेरे साथ हो मेरी बॉडी एकदम आराम फेस पर रहती है। इतने में ही ग्रैंडमा आ जाती है रिपोर्ट लेकर और कहने लगती कि देखा मैंने बोला था ना कि ये तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं हो सकती, कि इसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है। फिर यहाँ पर मियाँ सोचने लगती है कि मैंने जी से रिपोर्ट्स एक्सचेंज करवाने के लिए कहे थे, लगता है उसने अभी तक ये किया नहीं है, और यहाँ पर वो टेंशन में आ जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा उस पर चिल्लाने लगती है। इतने में असिस्टेंट आता है और कहने लगता है कि सॉरी मैडम पर आपका वो रिपोर्ट्स खाली है, रियल रिपोर्ट्स तो यहाँ पर है। यहाँ पर मैं छान ग्रैंडमा को देखता है, ग्रैंडमा कहने लगती है कि मैं तो बस देख रही थी कि क्या ये सच में उसकी मॉम है या फिर नहीं। फिर यहाँ पर वो लोग रिजल्ट देखते हैं जो सच होता है और तो यहाँ पर
मियाँ यहाँ पर चांद से कहने लगती है कि देखा, मैं तो पहले से ही कह रही हूँ सब कुछ सच है, लेकिन ग्रैंडमा को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं होता। फिर यहाँ पर वह रोते हुए दूसरी तरफ का मुंह करके सो जाती है और ग्रैंडमा भी बोलती है कि मैं कभी भी तुम्हें मेरी बहू एक्नॉलेज नहीं कर सकती, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी लीजा ही है, क्योंकि वो बहुत अच्छी है और काइंड हार्टेड है। और वो लीजा को लेकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर चांद बेचारी मियाँ को हकाने लगता है और वो जी को देखकर मुस्कुराने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर वो माफ़ी मांगने लगता है मियाँ से। मियाँ कहने लगते कि नहीं, हर बार तुमने मुझ पर ब्लेम डाला है और हर बार मैंने ये कोशिश किया तुम्हें बताने की कि ये बच्चा तुम्हारा ही है, लेकिन हर बार तुम मुझ पर शक करता आए हो और मुझ में कभी भी ट्रस्ट नहीं किया है। फिर बाद में चांद कहता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट वीक ही हम शादी करेंगे और मैं सभी के सामने तुम्हें अपनी एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस करा दूंगा। और यहाँ पर वो कॉल करके अपनी वेडिंग की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए बोलता है। फिर बाद में वो दोनों हग करने लगते हैं, जहाँ पर मियाँ अपने प्लानिंग के बारे में और भी सोचने लगती है। दूसरे वो कैफे में जाती है और जी से मिलती है। फिर उसे वो 10 मिलियन का कार्ड देने लगती है। जी उसे बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारी इतनी सारी हेल्प की है और तुम मुझे बस 10 मिलियन दे रही हो। 2 मिलियन से मैंने डॉक्टर को भी दे दी है, मुझे और 5 मिलियन चाहिए, मतलब टोटल 50 मिलियन। यहाँ पर वो कहने लगती कि लालच बुरी बला है। तो जी भी बोलता है कि ठीक है, नहीं देना है तो मत दो, दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो छान का नहीं है। फिर यहाँ पर वो कहते कि ठीक है, बाकी के पैसे मैं तुम्हें बाद में ट्रांसफर करा दूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर उसे उसका एक्स मिलता है। तो फिर वो उससे बात करने लगता है और मियाँ उसे 2 मिलियन का कार्ड देती है, लेकिन वो उसे कहता है कि इतनी आसानी से कैसे जा रही हो। दूसरे हम यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते हैं, जो कि मियाँ को और उस लड़की को बात करते हुए देख लेती है और उनकी बातों को भी सुन लेती है। फिर वो लड़का उसे कहने लगता है कि क्यों, तुम्हें याद नहीं है उस वोकल वाले होटल में, यानी कि उस क्लब में तुमने कितने सारे मेरे पैसे खर्च किए थे और तुम उन पैसों को लेकर भाग गई थी। वहाँ पर ग्रैंडमा सोच पड़ जाती है कि वोकल वाले होटल में तो लीजा भी थी, हो सकता है कि ये लड़की इस लड़की के साथ सोई हो, ना कि मेरे छान के साथ। मुझे सच्चाई का पता तो जल्द से जल्द लगाना ही होगा। फिर यहाँ पर मियाँ को लगता है कि कोई तो उन्हें देख रहा है, तो वो आजू बाजू देखने लगती है। उसका एक्स उसे बोलता है कि तुम किससे डर रही हो। मियाँ से बताने लगते कि मेरी शादी हो रही है और मैं नहीं चाहती कि तुम इन सब चीज़ों के बीच में आओ। वो उसका एक्स कहने लगता है कि तुमसे और शादी कौन करना चाहेगा। फिर मियाँ उसे कहते कि होटल रूम में जाकर बात करते हैं, यहाँ पर बात करना बहुत मुश्किल होगा। साथ साथ वो उसे ये भी बता देती है कि वो प्रेगनेंट है। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा समझ जाती है, पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि इसके पेट में जो बच्चा है वो छान का तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देती है। दूसरा, यहाँ पर लीजा ऑफिस में साफ सफाई कर रही होती है, तो जानबूझकर वो स्टाफ जमीन का पेपर फेंक देती है और वो सभी स्टाफ से चिल्लाते हुए बात करने लगती है कि तुम लोगों ने सुना क्या, कल मिस्टर छान की और दरमिया की शादी होने वाली है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लीसा के बारे में बुरी बुरी बातें बोलने लगते हैं, साथ साथ उसके बच्चे के बारे में। लीसा यहाँ पर कह देती है कि तुम्हें अगर मेरे बारे में कहना है तो कह सकती हो, लेकिन मेरे बच्चे पर बिन मतलब का कुछ इंजाम मत लगाओ। फिर यहाँ पर सभी लोग उसे बुली करने लगते हैं, जहाँ पर इतने ही समय में छान आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम इस कंपनी के मैनेजर हो या फिर मेरी वाइफ जो यहाँ पर लोगों को बुली कर रही हो। मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ से फायर करता हूँ। बाद में वो छान से माफी मांगने लगती है, साथ साथ लीसा से भी कहती है कि प्लीज तुम भी कुछ कहो ना। लीसा यहाँ पर छान से कहती है, लेकिन छान बोलता है कि मेरे कहे हुए शब्द मैं वापस नहीं ले सकता, मैंने तुम्हें फायर कर दिया है, तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर बाद में वो स्टाफ रोते हुए दूसरी ओर चली जाती है। बाकी की स्टाफ बोलने लगती है कि देखा कैसे सेड्यूस कर रही है, कल उसकी शादी होने वाली है और यहाँ पर उसके साथ में वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है, इसे तो जरा से भी शर्म नहीं आती। फिर यहाँ पर लीजा को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो लीजा मियाँ की और दौर छान की शादी को सोचकर फिर वो अपने आप को सोचने लगती है कि आखिर उन दोनों की शादी हो रही है तो मैं क्यों जेलस फील कर रही हूँ, मुझे तो खुश होना चाहिए। असिस्टेंट यहाँ पर आकर छान को बताने लगता है कि हमने वेडिंग की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट खत्म होने के लिए है। छान उसे कहता है कि ध्यान रखना, वेडिंग के टाइम पर कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतने में उसे उसके ग्रैंडपा की याद आती है, जहाँ पर वो हॉस्पिटल में थे और वो उनका आखिरी दिन था। फिर वो छान से वादा करने के लिए बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी तुम्हारा बेटा या बेटी होगी, तुम उसे कंप्लीट होम देकर जाओगे। और यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर छान अपने आप से प्रॉमिस करता है कि मैं अपने होने वाले बच्चे को हमेशा एक अच्छी सी लाइफ देकर रहूँगा और उसे एकदम होम जैसा फील करवाऊँगा। एंड फाइनली उनके वेडिंग वाला दिन आ जाता है, जहाँ पर मन में मियाँ बोल रही होती है
बस कुछ सेकंड्स और, इसके बाद में वो मुझे रिंग बनाएगा और मुझे किस करेगा, जहाँ पे मैं उसकी वाइफ बन जाऊँगी, साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी की मालकिन भी। फिर मेरी लाइफ एकदम आसान बन जाएगी। और वो चलते हुए आन के पास में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर पीछे से ग्रैंड माँ और लीजा आ जाती है, जहाँ पर ग्रैंड माँ उसे शादी करने से रोकती है। मियाँ उसे कहने लगती है कि प्लीज ग्रैंड माँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, कम से कम आज से मुझ पर कोई इंजाम ना लगाइए। ग्रैंड माँ बोलते तुम काम ही ऐसे करती हो, मैं अभी सबके सामने सच्चाई बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो छान का नहीं है, मैं ये प्रूफ के साथ बता सकती हूँ। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि ग्रैंड माँ आप कब तक ये सब कहती रहेंगी, हमने पैटर्निटी टेस्ट तो करवा लिया है ना। फिर ग्रैंड माँ यहाँ पर उसके मुँह पर फोटो फेंक है और कहने लगती है कि इसे देखो प्रूफ तो मिल गया होगा। यहाँ पर वो नाटक करने लगती है और कहती है कि ये फोटो एडिटेड भी तो हो सकता है, मैं इस लड़की को नहीं जानती। इतने में ही ग्रैंडमा उस लड़की को बुला लेती है और वो जी होता है और ग्रैंडमा बोलती है कि क्यों अभी से तुम पहचानने से इनकार करोगी। फिर यहाँ पर वो चांद से कहने लगती है कि चांद मेरी बातों का विश्वास करो, हमने पैटर्निटी टेस्ट भी तो करवाया था, उसमें रिजल्ट पॉजिटिव आए थे। ग्रैंडमा सभी को बताने लगती है कि पैटर्निटी टेस्ट वो तो मुझे अच्छे से पता है कि रिजल्ट्स पॉजिटिव क्यों आए थे, तुमने इसी लड़के को डॉक्टर के कैबिन में भेजा था ताकि वो रिपोर्ट्स को अलग कर सके और तुम्हारे रिपोर्ट्स में पॉजिटिव लिखवा सके, तब जाके तुम्हारे रिजल्ट्स में पॉजिटिव आया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पूरी तैयारी के साथ नहीं आई हूँ। फिर मामे मियाँ बोलने लगती है चांद को कि चांद तुम मुझ पर विश्वास करो, ग्रैंडमा ये जानबूझकर कर रही है क्योंकि वो मुझसे बहुत हेट करती है। ग्रैंडमा बोलने लगती है कि आखिर कब तक नाटक करती रहोगी, मेरे पास वीडियो भी है, इसमें साफ साफ तुम और जी नजर आ रहे हो कैफे में जहाँ पर तुमने उसे पैसे दिए है। फिर यहाँ पर वो जी को सच्चाई बोलने के लिए कहती है, जहाँ पर मियाँ जी को आगे दिखाने लगती है और जी समझ जाता है कि अगर मैंने झूठ नहीं बोला तो फिर ये तो मुझे पक्का मार डालेगी। और जी झूठ झूठ कहने लगता है कि हाँ मैं तो उससे उस दिन इसके लिए मिला था क्योंकि मुझे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए थे, क्योंकि लीजा बहुत ज़्यादा खर्चे करती है अपने आप पर, जहाँ पर मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचते और मैं एक अच्छा घर बनाना चाहता हूँ। ग्रैंडमा उसे देखकर बोलने लगती है, लेकिन तुमने तो मेरे सामने कुछ और कहा था, अब क्यों कुछ और कह रहे हो। जी कहने लगता है कि वो तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कह दिया था, मुझे नहीं पता था कि आप ये सारी बातें यहाँ तक लेकर आओगी। फिर बाद में मियाँ चांद से कहने लगती है कि देखा मैंने कहा था ना मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ग्रैंडमा जानबूझकर ये सब कर रही है। और रही बात लीजा की, तो लीजा जानबूझकर रिपोर्ट्स को नेगेटिव बताने वाली थी ताकि वो तुम्हारी वाइफ बन सके और तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प कर सके। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि ये काम तुम कर रही हो, मैं नहीं, मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कर दो, मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ, मुझे बस सच्चाई का पता लगाना है और मुझे मेरे बच्चे का फादर कौन है ये जानना है। ग्रैंडमा कहने लगती है कि हम लोग जेड पेंडेंट पर टेस्ट करके देख सकते हैं। चांद कहने लगता है कि वो पहले ही करके देख चुका हूँ, लेकिन मुझे दोनों तरफ से कुछ रिजल्ट नहीं मिला है। मियाँ यहाँ पर लीजा को दोषी ठहराने लगती है। ग्रैंडमा उसे कहते कि ठीक है अब हमारे पास एक रास्ता ही बचा है कि जब ये बेबी बॉर्न होगा तब उसका डीएनए टेस्ट करवा कर देखेंगे, तब हमें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। तुम्हें शादी करनी है तो कर लो, लेकिन तब तक लीजा मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी और इस बारे में तुम भी उसे कुछ नहीं बोल सकते, और अगर तुमने उसे कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशन तोड़ दूंगी। इसके बाद में लीजा आ जाती है उसे ग्रैंडमा के साथ रहने के लिए, जहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हुआ मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। दूसरा यहाँ पर मियाँ आ जाती है लेकिन ग्रैंडमा उसे इग्नोर कर देती है। फिर ग्रैंडमा किचन में चली जाती है लीजा के लिए सूप लेने के लिए, तो यहाँ पर मियाँ से साफ साफ बोल देती है कि मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो चांद का नहीं है। मियाँ कहने लगते कि तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो ज़्यादा बोलना मत, और यहाँ पर वो कहने लगते कि ठीक है ऐसे भी बच्चों के बॉर्न होने के बाद डीएनए रिजल्ट्स आ जाएंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, और हाँ प्लीज़ तब तक तुम मुझसे दूर जाओ। इतना भूलकर लीजा दूसरी ओर से जाने लगती है, जहाँ पर मियाँ जानबूझकर नीचे गिरती है। उतने में चांद आता है और ऐसा नाटक करने लगती है कि जैसे लीजा नहीं उसे नीचे गिरा हो, और चांद से कहने लगती है कि मैं इसे इस घर में रहने दे रही हूँ फिर भी ये मेरे बच्चे को हर्ट करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर वो रोने का नाटक करती है, जहाँ पे चांद लीजा को वार्निंग दे देता है कि अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो तुम देख लेना। फिर वो उसे उठाकर घर लेकर चला जाता है। ग्रैंडमा आती है तो फिर लीजा उसे इमोशनल होते हुए सब कुछ बताती है, लेकिन ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और यहाँ पर आके बैठो, टेंशन लेना बंद करो, तुम्हारे बेबी पर ही इफेक्ट गिर सकता है। फिर यहाँ पर चांद आकर लीजा के ऊपर चिल्लाने लगता है। लीजा कहती है कि मुझ पर चिल्लाओ मत, मैं कह रही हूँ ना वो खुद ब खुद गिरी है। और चांद उसे बोलने लगता है कि अभी के अभी तुम इस घर से निकल कर चली जाओ। ग्रैंडमा यहाँ पर चांद के ऊपर गुस्सा करने लगती है। चांद कहता है कि
मिया अपने बेबी को खो सकती थी। इतने में ही मिया आकर कहने लगती है कि वो तो मेरा लक इतना अच्छा था कि मेरा बेबी बच गया, वरना मेरा बेबी तो कब का अबॉर्ट हो चुका होता। फिर यहाँ पर ग्रामा बोलते कि अच्छा तुम्हारा नाटक लगता है कभी बंद नहीं होगा, अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। यहाँ पर चारों कॉर्नर्स में कैमरे लगे हुए हैं, हम मॉनिटर को देख लेंगे और हमें पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि लगता है आप उस पर शक कर रहे हो। छान कहता है कि नहीं, हमें प्रूफ मिल जाएगा फिर हमें सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर मेड बाद में कैमरे का मॉनिटर लेकर आ जाती है, जहाँ पर छान उसे देखने लगता है तो फिर मियाँ नाटक करती है, लेकिन छान फिर भी उस वीडियो को देखता है और कहता है कि जरा बताना तुम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगी। मियाँ यहाँ पर नाटक करते हुए कहने लगती है कि मुझे याद तो अच्छे से है कि धक्का मुझे इसी ने दिया था, मुझे लगता है चक्कर सा आ रहा है क्योंकि मुझे चीजें इल्यूजन में दिखने लग रही है। फिर यहाँ पर बनाने लगती है। फिर बाद में छान उसे मुंह पर कह देता है कि तुम जानबूझकर लीजा को इस चीज में फेम करना चाहती हो। फिर मियाँ बोल देती कि मुझे माफ कर दो, लीजा यहाँ पर रह रही है तो मुझे लग रहा है कि क्या पता तुम लीजा से अफेक्ट करने लगोगे और तुम उसे पसंद करने लगोगे, इस वजह से मैंने ऐसा किया था कि वो इस घर से जा सके क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी लाइफ टाइम के लिए अकेला हो जाए और उसे कोई भी बुली कर पाए। फिर यहाँ पर छान बोलने लगता है कि तुम ये सारी चीजें कैसे सोच सकती हो, और यहाँ पर ग्रामा बोलने लगती है कि मैं तो तुम्हें पहले से ही कहती आ रही हूँ। लीजा बोलती है कि मॉम मुझे यहाँ से जाना है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। फिर ग्रामा उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर ग्रामा जाते जाते मियाँ को धमकी देती है कि आईना तुमने वापस से कुछ भी किया तो याद रखना, इस बार मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। और यहाँ पर छान मन में सोचता है कि ग्रामा कभी गलत नहीं हो सकती, क्या पता मुझसे ही कोई चीज छूट गई हो पीछे जो मैंने इन्वेस्टिगेट ना की हो। यहाँ पर बाद में मियाँ छान से माफी मांगती है और कहती कि प्लीज मुझे एक और मौका देके देखो, मैं बदल जाऊंगी हमारे होने वाले बच्चे के लिए। छान बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम अपनी कही हुई बातों पर अड़ी रहना, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर छान अपने असिस्टेंट से मिलता है और एक बार फिर से जी के पीछे इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। दूसरा यहाँ पर वो कमरे में आता है तो फिर वो वहाँ पर लीजा को अपने बेबी से बात करते हुए देखता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि मियाँ ने उसे कहा था कि उसे घर वाले उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं और यहाँ पर मैं भी उसे शक कर रहा। फिर वो जाकर उसे सॉरी बोलता है और उसे हक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर लीजा आ जाती है जो उन दोनों को हक करते हुए देख वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। फिर बाद में मियाँ को गुस्सा टैक्स आता है तो फिर छान कहता है कि मुझे दिखाओ, लेकिन मियाँ उस फोन को लेती नहीं। छान उस फोन को देखता है और कहता है कि इतने पैसे तुमने किसको दिए है। मियाँ बोलती है कि ये मेरे लोन थे तो मैं बस उसे चुका रही हूँ। हान बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पैसे तो तुम्हारे पैसे ही है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मियाँ कॉल लगा लेती है अपने गुंडे को और इसे कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उस ग्रैंडमा को मेरे रस्ते से साफ कर दो, और हाँ मेरा एक और काम करना, जब बेबी लीजा बर्थ देगी तो याद रखना मेरा बेबी और लीजा का बेबी स्वैप कर देना, यानी कि एक्सचेंज कर देना, ताकि अगर वो लोग डीएनए टेस्ट भी करे तो उन्हें समझ में आ जाए कि मैं ही उसकी रियल मदर हूँ और उसका छान ही डैड है। और हाँ ये सारे काम बड़ी सफाई से करना क्योंकि इन सब की नज़र कहीं ना कहीं रखी होती है, तो क्या पता तुम पकड़े जाओ, तो ध्यान से काम करना। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है। दूसरा ग्रामा अपने इन्वेस्टिगेटर से मिलती है, जहाँ पर वो उस दिन वाले लड़के के बारे में पूछताछ करने के लिए बोली थी, तो फिर वो सारे इन्फॉर्मेशन उसके पास लेकर आ जाता है। एंड फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पर लीजा पर्स देने वाली थी, लेकिन सभी नर्स उसे इग्नोर करती है, साथ साथ वो लोग उसे तो धक्का भी दे देती है, जहाँ पर उसका फोन टूट जाता है और वो ग्रैंडमा को कॉल भी नहीं लगा पाती। यहाँ पर वो सभी डॉक्टर्स के पैर पड़ते हुए कहती कि प्लीज मुझे बहुत पेन हो रहा है, मेरा बेबी शायद से जन्म लेने वाला है तो प्लीज मुझे डिलीवरी रूम में लेकर चल ले, लेकिन कोई भी उसे ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करने लगता है और बोलने लगते है वो लोग कि आखिर हम तुम पर क्यों फोकस करें, यहाँ पर मिस्टर छान की वाइफ है, हम तो उस पर ही फोकस करेंगे। इतने में ही वहाँ पर मियाँ आ जाती है, जहाँ पर मियाँ बोलने लगती कि लगता है तुम कुछ ज्यादा ही तड़प रही हो, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने बेटे को जन्म दे पाओगी। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर लीजा उसका पैर पकड़ कर माफी मांगती और कहती कि प्लीज मुझे मेरे बेटे को जन्म देने दो वरना वो इस दुनिया से नहीं रह पाएगा। फिर यहाँ पर मियाँ बोलते कि ठीक है एक काम करो, क्यों ना तुम नीलधन का मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें डिलीवरी रूम दे सकती हूँ। यहाँ पर वो कहती कि लेकिन मैंने कुछ किया नहीं है। मियाँ बोलती है कि ठीक है चलिए जाओ हॉस्पिटल के बाहर। फिर यहाँ पर वो रेडी हो जाती है नीलदान का माफ़ी मांगने के लिए, तो माफ़ी भी मांग लेती है, लेकिन यहाँ पर मियाँ फिर बोलते कि ठीक है अब तुम बाहर जा सकती हो। लीजा कहने लगते लेकिन जैसा तुमने कहा था वैसा मैंने किया, अब तुम अपनी बातों से क्यों पलट ली हो। मियाँ बोलती है कि जो मेरी मर्जी होगी मैं करूँगी, और यहाँ पर वो नर्स कहते कि इसे धक्के मारकर हॉस्पिटल से बाहर निकाल देना। दूसरा छान आता है जो देख लेता है ये सब और उसे बोलता है कि आखिर क्या चल रहा है।
फिर वो यहाँ पर लीसा को नोटिस करता है जहाँ पर लीसा को बहुत पेन हो रहा था। फिर वो लीसा को उठाकर डिलीवरी रूम में चला जाता है और यहाँ पर वो दोनों एक साथ बेटे को जन्म देते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा बोलती है कि मुझे मेरे बच्चे से मिलना है। लेकिन वो नर्स कहने लगती है कि हमें उन बच्चों को थोड़े टाइम के लिए लेबोरेटरी में रखना होगा क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसके बाद में आप लोग देख सकते हो। फिर यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि आखिरकार यही वो टाइम है जहाँ पर नर्स उन बच्चों को एक्सचेंज कर देने वाली है। इसके बाद में यहाँ पर मियाँ के साथ में उसका हस्बैंड होता है, तो फिर लीसा के साथ में उसकी ग्रैंडमा, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसे शाबाश बोलती है और कहते कि बताओ बच्चे का नाम क्या रखना है, और वो लोग बच्चे का नाम सोचने लगते हैं। फिर यहाँ पर वो अपना ग्रीन कलर का जेड का ब्रेसलेट निकालती है और लीसा को देने लगती है, लेकिन लीसा वो लेने से मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि ये तोहफा मेरी तरफ से है तो तुम इसे ना नहीं बोल सकती हो। दूसरा यहाँ पर मियाँ और चांद बात करने लगते हैं और मियाँ अपने बच्चे का नाम सोचने लगती है। ग्रैंडमा हंसकर कहने लगती है कि बच्चा तो उसका है भी नहीं, फिर भी नाम सोच रही है। इतने में असिस्टेंट डीएनए रिपोर्ट्स लेकर आ जाता है, जहाँ पर चांद उस रिजल्ट को देखता है और ग्रैंडमा से कहता है कि आपको डिसअपॉइंटेड होगा। ग्रैंडमा देखती है तो वो बच्चा तो चांद का ही होता है और यहाँ पर वो सोचने लगती है कि क्या पता मैं सच में गलत हूँ और मैंने मियाँ को गलत समझा। इतने में ही नर्स आती है जो कहने लगती है कि लीसा का जो बच्चा है उसे जॉन्डिस हो गया है तो वो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। लीसा यहाँ पर बेहोश हो जाती है। दूसर यहाँ पर हम जांग को देखते हैं जो कि मियाँ का एक्स होता है और तो वो यहाँ पर मियाँ के रियल वाले बच्चे को लेकर जा रहा था। मियाँ सोच में लगती है कि हाँ ये अच्छी बात है, तो मेरे रियल बच्चे को लेकर चले जाओ और मेरे पास जो बच्चा होगा वो लीसा का होगा, तो फिर यहाँ पर तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और किसी को सच्चाई का पता भी नहीं चलेगा। फिर बाद में जैसे ही लीसा उठती है, ग्रैंडमा उसे दुख भरी खबर देती है, जहाँ पर लीसा बहुत टेंशन में आ जाती है और रोने लगती है। ग्रैंडमा कहते हैं रो के कुछ मतलब नहीं है, तुम्हें तुम्हारी सेहत का ख्याल रखना होगा। यहाँ पर तो लीसा रो रो कर पागल सी हो जाती है और वो खुद ब खुद उठकर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर चांद भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं लीसा अपनी जान न ले ले। दूसरा मियाँ आ जाती है अपने बच्चे के साथ, तो लीसा उसे अपना बच्चा बोलने लगती है और मियाँ उसे कहती है कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे को छूने की कोशिश भी मत करना। चांद यहाँ पर असिस्टेंट से कहता है कि मैडम को और यंग मास्टर को यहाँ से लेके चले जाओ। मियाँ बोलती है क्या तुम इस औरत के लिए मुझे और अपने बच्चे को छोड़ दोगे। बाद में यहाँ पर चांद ग्रैंडमा से कहता है कि प्लीज आप इसका ध्यान रखना, मैं इसके साथ घर पर जा रहा हूँ। यहाँ पर वो बहुत रोती है और यहाँ पर वो उसे समझ में भी नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। इसके बाद में यहाँ पर हम नर्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रही होती है कि एक ब्लैक कैप पे एक इंसान आया था जो कि मिसेस मियाँ का बच्चा लेकर चला गया और मिसेस मियाँ ने लगता है किसी और का बच्चा ले लिया। ये सारी बातें लीसा सुन लेती है। इसके बाद में मियाँ जब घर पर आती है तो वहाँ पर लीसा भी होती है जो नैनी का जॉब करने आई थी, लेकिन यहाँ पर उसे थप्पड़ मारकर बाहर निकालने वाली थी। चांद आकर उसकी मदद करता है और लीसा बोलती कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, मेरे पास पेरेंटिंग का लाइसेंस भी है तो तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। फिर बाद में मियाँ को ना चाहते हुए भी उसे वहाँ पर रखना पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं क्योंकि उसके बेटे को ठीक नहीं लग रहा होता और उसके बेटे का ब्लड ग्रुप होता है ओ नेगेटिव। चांद यहाँ पर सोचने पड़ जाता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है और तो मियाँ का ब्लड ग्रुप बी है तो फिर इसका ओ नेगेटिव क्यों है। और यहाँ पर लीसा बोलने लगती है कि मेरा ओ नेगेटिव है और आप मेरा ब्लड ले सकते हो, लेकिन मियाँ उसे जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर लीसा का ब्लड टेस्ट करवाया गया तो सबको पता चल जाएगा कि लीसा उसकी रियल मदर है। तो वो चांद से कहती है कि मैं अपने बेटे को इस औरत का खून नहीं देने दूंगी अगर वो उसके जैसा बन गया तो। इसके बाद में डॉक्टर हॉस्पिटल सभी लोग वो ब्लड को अरेंज करते हैं जहाँ पर उसके बेटे की जान बच जाती है। फिर यहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है जहाँ पर वो कहने लगती है कि ये जानबूझ के तुम सबकी लाइफ में आई है ताकि वो तुम्हारे बच्चे को मार सके, और उसकी मम्मा उसको लेकर वहां से चली जाती है। फिर जबरदस्ती वो उसकी शादी करवाने के लिए चली जाती है, जहां पर चांद को देखते हैं और मियाँ उसे मिल्क पीने के लिए देती है, उसमें उसने कुछ मिलाया होता है। चांद उस मिल्क को पीता तो है लेकिन उसे अर्जेंट कॉल आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर जैसे वो उस होटल में पहुँचता है उसे ठीक नहीं लगता और वो एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर लीसा छुपने के लिए आती है और उन दोनों के बीच में किसी दिन छुजा हो जाता है। और इसी के साथ साथ लीसा को सारी चीज़ें याद आने लगती है, वो बॉडी वाली फीलिंग और उसका फेस, और यहाँ पर वो समझ जाती है कि मिस्टर चांद ही वो इंसान है जिसके साथ पीरा उस रात को आउट हुआ था। फिर यहाँ पर वो उठती है और वो जान लेती है कि कुछ भी मियाँ ने उसे छीना है वो सारी की सारी चीजें वो हासिल कर ही रहेगी।
चान यहाँ पर घर की ओर जा रहा होता है तो फिर वो लीसा के बारे में सोच रहा था और अचानक से उसके सामने एक ट्रक आती है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट की खबर लीसा को पहुँच जाती है और उसे ग्रैंडमा उसे कहने लगती है कि प्लीज़ यहाँ पर आओ और मेरे बच्चे को बचा लो। दूसरी ओर यहाँ पर हम मियाँ को देखते हैं जो चली जाती है चान के कमरे में और सभी से कहने लगती है कि चान का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो जिंदा नहीं रहने वाला, तो उसने आगे की प्रॉपर्टीज मेरे नाम पर कर दी है और ये कंपनी भी, तो अब से इस कंपनी को मैं चलाऊंगी। लेकिन इतने में ही यहाँ पर लीसा आ जाती है साथ साथ में चान। यहाँ पर मियाँ तो उन लोगों को देखकर शॉक हो जाती है। इतने में ही ग्रैंडमा वहाँ पर आ जाती है और वो लोग डीएनए रिजल्ट्स बताने लगते हैं। साथ साथ में उनके पास जैंग भी होता है और ग्रैंडमा कहने लगती है कि इस बार तुम बचकर नहीं जा सकती। फिर यहाँ पर जैंग गुस्से में आकर मियाँ के सामने सारी सच्चाई सबके सामने खोल देता है, जहाँ पर चान को बहुत गुस्सा आता है और वो गार्ड से कहता है कि इसे गार्ड्स के हवाले नहीं बल्कि पुलिस के हवाले कर देना और वो उसके अगेंस्ट कंप्लेन भी फाइल कर देता है। फिर सभी लोग उसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर चान उसे माफ़ी मांगने लगता है लेकिन लीसा उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। फिर यहाँ पर वो रिंग निकाल कर उसे प्रपोज करने लगता है। ग्रैंडमा उसे कहती है कि लीसा तुम्हारा कोई भी डिसीजन होगा मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, अगर तुम्हें इसे रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकती हो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर लीसा उसकी बातों को सुनती है जहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगता है और प्रॉमिस करता है, तो फिर लीसा उसकी बात में आ जाती है। फिर यहाँ पर वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों हग करने लगते हैं एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।